सर आज आपके घर में शाफी जमात के हजरत आए हैं, अहले सुन्नत जमात के वाज जमील इस्लाम साहब और सैयद मिन साहब भी मौजूद हैं। सर किस सिलसिले में आपसे मुलाकात के लिए आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको मालूम है कि सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन ये कई साल से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तालीमी एतबार से जो हमारे तालिबा है उनको उनके मुस्तकबिल के लिए जिन चीजों की जरूरत है, इसे बाकायदा एक करियर गाइडेंस के नाम से है ना ये काम करते आ रहे हैं। तो रियासती सतह पर ऑल इंडिया सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन मुकाम मैसूर में एक आलिशान इजलास इसी माह के 24 और 25 तारीख को करने का तय किए हैं, तो जिसके लिए पुलिस से परमिशन हो या डिप्टी कमिश्नर से जिन तरीके से हमें सहूलत को है ना हासिल करना हो, और खासतौर से पाकी सफाई के लिए कॉरपोरेशन से जिस तरीके के इंतजाम होना है, इन तमाम चीजों को लेकर मैंने पुलिस डिप्टी कमिश्नर और कॉरपोरेशन को मेरे खत्तों के जरिए मैंने है ना आगाह किया है। तो इंशाल्लाह आज मिली एतबार से तालीमी अहमियत खास तौर से हमारे बच्चों में जिस तरीके से शौक पैदा हो रहा है उनको प्रोफेशनल कोर्सेस और जिस तरीके से बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन लाजवाब काम करता आया है, और जिसमें हमारे शेखुल हदीस उनके दुआ के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम आगे बढ़ रहा है, और हमें खुशी है कि जो मिली तंजीमें हैं सब एक साथ जुड़कर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक कोई ऐसा फैसला ले जिससे बच्चों को है ना आसानियत हो। इसी वजह से रियासत कर्नाटक में मरहूम कमरुल इस्लाम साहब को आज हमें याद करना है, क्योंकि हमारी ये कोशिश जो थी उस वक्त में वो वजीर अखिलियत बेहबूदी रहे, तो सिर्फ 15 करोड़ रुपए में हमने अरिवू का स्कीम शुरू किया जिससे तालीम याफ्ता बच्चों के लिए कर्जा जो तालीमी कर्जा अदा करने का काम हमने सिलसिला शुरू किया था। तो मेरे दौर में इसको है ना लगभग 175 करोड़ रुपए तक भी हमने इसको लेके गए थे, आज फिर एक बार इसकी जो लागत है वो घटकर सिर्फ 50 करोड़ को आ गई है। तो इस वजह से इन तमाम चीजों को है ना इस दो दिन के इजलास में बहस भी करेंगे, इसके ऊपर फैसले भी लेंगे, और हुकूमत को किस तरीके से आगाह करना है कि मिली एतबार से बच्चों को तालीमी इंतजाम करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है इन तमाम चीजों को हमें लेकर आगे बढ़ना है। शाफी मसलक के जितने भी हमारे उलमा हैं जिम्मेदार हैं, अहले सुन्नत वल जमात के जितने जिम्मेदार हैं, और हमें खुशी है कि इन्होंने इनके इस इजलास का मुकाम मैसूर चुना है। तो शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के सर जमीन पर इसका आगाज अगर हो तो बाकायदा एक अच्छा पैगाम पूरे रियासत में पूरे मुल्क में जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूं, और जो जो भी होगा उसका भरपूर ताउन देने का भी मैं आपको है ना ये वायदा करते हुए इंशाल्लाह इस इजलास की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ को भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफ रसूलिल्लाह वाला आलिहि वसहाबी अजमाइन अम्मा बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टफेल्ट थैंक्स टू आवर बिलव्ड एमएलए श्री अलहाज तनवीर सेठ साहब, ऑल अदर डिग्निटरीज हियर, उलमास। द सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन फॉर्मली नोन एज SSF is a 50-year-old organization
that has been in the roots of India, the basic roots that promotes education, social and family welfare of people of India. We have been working from Kashmir till Kerala, to the east and west from Gujarat till the mainlands or highlands of Nagaland. We have institution across Assam, flood and riot hit Malda region of Bengal, in the very backward provinces of UP, Haryana, as well as the Mewat region of Rajasthan. We have around 13 schools in the riot terror hit Kashmir too. This is the glory of SSF. The next generation is today's students. That is what we are focusing on. Any generation or any society, if it has to uplift, the very basic essential is education. Educating oneself is very much important, as well as educating about our social concern is also very utmost important. On that very basis, we have decided to organize a camp, 2-day campus conference in Mysore. This campus conference will be attended by around 6,000 chosen student candidates from across 30 districts of Karnataka, from all fields, from medical, technical, all other professional colleges. They will be attending this camp that will be held in around 12 sessions for 2 days in Mysore, which discusses about the very abusive drug usage in campuses, the importance of value-based education, the importance of moral education, the need to study Indian law and constitution, the need to support Indian culture and tradition, the need to uplift society on basis of this. On this current juncture, the communal era is very much in a dilemma. So to educate, provoke, as well as educate others, because these 6,000 can tomorrow educate 60,000 or 6 lakhs. So that is the very main intention of this program. And alhamdulillah, Mysore is a capital hub of culture in Karnataka. It is our prior state. So we have decided here, with the blessing of Hazrat Tipu Sultan Raliyallahu Anhu, as well as all our leaders who have been in this juncture, we are very proudly welcoming every Mysorean on the 25th of August, Sunday, after 6-7:30 p.m. for the public conference that will be attained or chaired by His Eminence Sheikh Abu Bakr Ahmad, the Grand Mufti of India. And inshallah, let us all seek His blessing in prayer. I again urge everybody for your sincere cooperation and support for this grand success. Wa akhir da'wana, assalamu alaikum. Aaj सवेरे से तनवीर सेठ साहब, अली जनाब अल्हाज तनवीर सेठ साहब के घर में मौजूद हैं, रईस साहब में मौजूद हैं, SSF के तमाम उलमाए कराम, हमारे देशन और जामिया टुगू के सेक्रेटरी अली जनाब सैयद यूनुस साहब, तमाम शिरकत फरमाकर तनवीर सेठ साहब के लिए जो 24-25 को जो हमारा फंक्शन होने वाला है, उसके लिए इजाज़त के लिए, परमिशन के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सेठ साहब ने कमिश्नर को, कॉरपोरेशन कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को, बाकी सफाई का तमाम इंतजाम के लिए फ़ोन करके, बात करके और लेटर भी देकर हमें हिम्मत अफजाई दी। मैं तनवीर शेख साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।